हेलो एवरीवन आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का ईवीएस का चैप्टर ट्वेंटी टू ऑन द मूव अगेन सो इसकी वर्कशीट है जिसके आंसर साथ में दिए हुए हैं कि किस तरह से मतलब क्या आंसर या क्या जो है वर्कशीट आपकी बन सकती है एक तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या हो सकते हैं सो फर्स्ट है फैमिलीज लाइक धानोज वर्क ऑन द लैंड ऑफ द बिग फार्मर फ्रॉम डैश टू डैश तो कब से कब तक करते हैं रेनी सीजन से दशहरे तक जो है वो ये काम करते हैं डैश इज एन एजेंट हु लैंड्स मनी अब वो कौन था जो एजेंट था और आ, मनी जो है मीनस एक दूसरे को किसी को भी चाहिए होती तो उनको देता था वो सो so, क्या था मुकादम मुकादम हेल्प दैम टू फाइंड वर्क इन कहाँ पर वो उनको काम दिलवाता था शुगर केन फैक्ट्री शुगर केन क्या था गन्ने की जो फैक्ट्री है उनके अंदर वन देयर इज़ नो डैश देयर इज़ नो वर्क इन द विलेज लाइक धानुज अब जब यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश रेन नहीं होती थी देन यहाँ पर कोई काम भी नहीं होता था गाँव में द कारवास ऑफ दीज फैमिली स्टे इन अब ये कहाँ रहते थे हट्स में रहते थे मेड ऑफ ड्राई शुगर केन जो कि सूखे हुए जो शुगर केन है गन्ने हैं उनसे बनते थे चिल्ड्रन लाइक धानोज कैन नॉट गो टू स्कूल फोर कितने दिन तक वो स्कूल नहीं जा पाते थे या कितने महीने तक सिक्स मंथ्स तक नाउ नेक्स्ट है टिक मार्क करना है फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट आपको टिक करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए क्रॉस करना है मदर्स ब्रदर्स मम्मी की भाई की वाइफ इज कोल्ड मामी तो आपकी जो मम्मी है देन उनका भाई है जो उनकी वाइफ है तो वो आपकी मामी होती है डैट इज़ करेक्ट फादर्स ब्रदर वाइफ इज़ कोल्ड चाची और काकी सो डैट इज ऑल्सो करेक्ट पूरन पोली आट द अदर नेम ऑफ स्पाइसी समोसाज तो ये क्या है गलत है बिकॉज पूरन पोली क्या होती है रोटी होती है मीठी रोटी जिसे आप बोल सकते हैं जो जैगरी से बनती है गुड़ से द कार्वा ऑफ द पुअर फार्मर फैमिलीज़ वर्क गिवन पक्का हाउस टू ले उन्हें पक्का घर दिया गया था नो डैट डैट इज़ रॉन्ग उन्हें क्या दिया गया था उन्हें जो है हट दिए गए थे यानी कि झोपड़ी बनी हुई थी ड्राई शुगर केन से द वुमेन एंड चिल्ड्रन टाई द बंडल ऑफ शुगर केन जो बच्चे थे और जो औरतें थी वो जो है शुगर केन के बंडल्स बनाते थे तो डैट इज करेक्ट नाउ हु इज मुकादम अब मुकादम कौन था मुकादम इज़ एन एजेंट ऑफ शुगर किन फैक्ट्रीज एजेंट था शुगर किन फैक्ट्री का और साथ में ही ही लेंड्स मनी टू द पुअर फैमिली और जो पुरानी पुअर फैमिली गरीब फैमिली थी उनको वो जो है पैसे देता था वाई डिड द फैमिलीज लाइक धानोज वर्क इन शुगर किन फैक्ट्रीज वो शुगर किन की फैक्ट्रीज में काम क्यों करते थे सो फैमिलीज लाइक धानोज वर्कड ऑन द लैंड ओ बिग फार्मर्स ओनली फॉर सिक्स मंथ तो जो है बड़े बड़े जो खेत होते थे या फिर उनके लिए काम करते थे उनके लैंड पे कितने सिर्फ छः महीने के लिए सो दे हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मुकादम इसलिए जो है उन्हें मुकादम से पैसे लेने पड़ते थे क्योंकि छः महीने काम कर पाते थे लेकिन बाकी के छः महीने नहीं काम करते थे तो इसलिए उन्हें जो है पैसे उधारे लेने पड़ते थे सिंस मुकादम इज़ एन एजेंट ऑफ द शुगर केन फैक्ट्री सो द फैमिली हैड टू वर्क इन द शुगर केन फैक्ट्रीज अब मुकादम क्या करता था उन्हें पैसे दे देता और साथ में उन्हें बोलता कि शुगर केन फैक्ट्री में आपको काम करना है और वहीं से काम करके उनको एक तरह से वो जो पैसे होते थे उनके उतर जाते थे वाई डिट धानुज फैमिली विश डेट धानु शुड गो टू तो स्कूल फॉर द होल ईयर अब धानु की फैमिली क्यों चाहती थी कि पूरा टाइम जो है स्कूल में जाए पूरा साल सो धानोज फैमिली विज डेट धानू शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर सो डैट धानू शुड गेट समथिंग बेटर इन लाइफ तो इसलिए चाहते थे ताकि वो स्कूल जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा और उसकी लाइफ जो है हमसे अच्छी हो जाएगी हु आर द पीपल लेफ्ट बिहाइंड द विलेज एंड वाई कौन से लोग थे जो गाँव में पीछे रह गए थे क्यों सो लेडीज विद स्मॉल चिल्ड्रन द ओल्ड एंड द सिक पीपल स्टे बिहाइंड जो छोटे बच्चे थे औरतें थी जिनके साथ छोटे बच्चे थे जो Uh, बूढ़े लोग थे या बीमार थे वो गांव में रह गए थे दे कुड नॉट वर्क एंड दे हैड टू लुक आफ्टर द हाउसेज एंड द कैटल सो दे हैड टू स्टे बैक अब वो जो है काम नहीं कर सकते थे और घर की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था तो इसलिए वो घर की देखभाल भी करने वाले थे और उनकी जो कैटल थी यानी कि जो आ, उनके वो आ, क्या बोल सकते हैं बैल वगैरह या पशु थे उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें घर पे रहना जरूरी था नाउ वट हैपन इफ यू आर नो टेबल टू गो टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर आप बहुत टाइम तक स्कूल में नहीं जाएँ तो क्या होगा इफ आई एम नोट एबल टू गो टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम आई कैन नॉट कोप अप विद द एडवांस स्लेबी अब जो भी सिलेबस है उसको आप पूरा कवर नहीं कर पाएंगे अगर आप बहुत टाइम तक स्कूल नहीं जाते हैं वाई दानू डिड नॉट यूज हिज पेंसिल इरेजर अ नोटबुक फॉर लॉन्ग टाइम अब वो अपनी ये सब चीज़ें लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर रहा था क्यों सो धानू कुड नॉट गो टू स्कूल फॉर सिक्स मंथ एज ही हैड टू मूव आउट ऑफ द विलेज फॉर सिक्स मंथ अब वो जो छः महीने तक स्कूल नहीं जा पाता था क्योंकि उसे गांव से बाहर जाना था छ महीने तक कुड नॉट स्टडी एंड यूज इज स्टेशनरी तो अब क्या होता था कि वो छः महीने तक स्कूल भी नहीं जा पा रहा है स्कूल क्योंकि उसे गाँव में से दूसरी जगह जाना था काम करने के लिए तो इसलिए वो अपनी चीज़ें भी यूज़ नहीं कर पाता था वाई द मूड्स ऑफ द पीपल ऑफ धन विलेज सडनली चेंज आफ्टर द सेलब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल जैसे ही फेस्टिवल आता है तो उनका मूड जैसे चेंज क्यों हो जाता है सो द मूड ऑफ द पीपल्स चेंज्ड बिकॉज द मुकादम हैड टू कम टू लैंड द मनी एंड फॉर डेट दे हैड टू लिव देयर विलेज एंड मूड टू शुगर केन फैक्ट्रीज फॉर वर्क तो जैसे ही वो आता था मीन्स फेस्टिवल आता है तो तभी के तभी वहाँ पर क्या होता है मुकदम भी आ जाता है उनको पैसे देने के लिए बिकॉज उन्हें पैसे तो चाहिए एंड उसके लिए ही और जो गांव वालों को पता है कि अगर हम पैसे ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने गांव को छोड़ना पड़ेगा और शुगर की फैक्ट्रीज़ में जाना पड़ेगा काम करने के लिए लगभग छः महीने इधर फार्मिंग पॉसिबल विदाउट रेन क्या बिना बारिश के फार्मिंग पॉसिबल है अगर है तो कैसे नेम सब मीन्स ऑफ एरीगेशन कुछ आपको चीज़ें तरीके बताने हैं सो येस फार्मिंग इज पॉसिबल विदाउट रेन दिस रेड देयर आर मैनी आर्टिफिशियल मीन ऑफ एरीगेशन फॉर फार्मिंग ट्यूबवेल राहत एंड इलेक्ट्रिक पंप एक्सेट्रा तो आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिक आर्टिफिशियल मीन्स है जिसे धरती के अंदर से आप पानी निकाल सकते हैं जिससे आप इरिगेशन कर सकते हैं जैसे ट्यूबवेल इलेक्ट्रिक पंप और राहत वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें आजकल आ आज चुकी हैं जिनका यूज़ करके विदाउट रेन भी पानी आप ले सकते हैं अपने आ, खेतों के लिए सो so, ये था आपका चैप्टर इसके साथ ही कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं सो ऑन द मूव अगेन हु इज़ मुकादम मुकादम कौन था मुकादम इज़ एन एजेंट हु लैंड्स मनी टू द पुअर विलेज पीपल ही इज़ एन एजेंट ऑफ शुगर कि इन फैक्ट्रीज़ हुम टू फाइंड वर्क इन द शुगर किन फील्ड वही जो है पैसे देता था सबको एंड देन जो उनको शुगर एजेंट था वो शुगर किन फैक्ट्री का और उसकी वजह से वो वहाँ पर जाकर काम करते थे वट डाज अकादम एक्सप्लेन टू द विलेज अब मुकादम जो है विलेज में क्या एक्सप्लेन करता है so, सो मुकादम एक्सप्लेन टू तो द विलेज इन विच एरिया दे वुड गो टू तो फोर्ड नेक्स्ट सिक्स मंथ उन्हें बताता था कि अगले छः महीने उन्हें कहाँ जाना है काम करने के लिए वाई डज़ एवरी वन बोरो मनी फॉर फ्राम द मुकादम सब उससे पैसे क्यों लेते थे बिकॉज पुअर पीपल इन द विलेज बोरो मनी फ्रॉम द मुकादम टू मीट देयर बेसिक नीड लाइक फूड एंड क्लोथ क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे वो बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि खाना और कपड़े कम से कम उनके पास हो तो उन चीज़ों को लेने के लिए उससे पैसे लेते थे हाउ कैन बी फार्मिंग भी डन विदाउट रेनिंग अब बिना रेनिंग के फार्मिंग कैसे की जा सकती है सो फार्मिंग कैन भी डन विदाउट रेन वाटर फ्रेश मेथड ऑफ इरीगेशन कैन बी यूज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड वाटर वाटर फॉर क्रॉप्स फ्रेश मेथड यूज़ किया जा सकता है इरीगेशन के लिए जिससे कि उन्हें जितना पानी उन्हें चाहिए क्रॉप्स को उतना आप दे सकते हैं वाटर कैन बी यूज्ड फ्रॉम कैनल्स ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन द फील्ड कैनल का यूज़ किया जा सकता है ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जा सकता है जैसे कैनल इरिगेशन इस तरह से खेतों के अंदर से ये जाती है यहाँ से आप पानी लेकर अपने उसमें डाल सकते हैं देन ट्यूबवेल्स ये आपके ट्यूबवेल्स होते हैं जो नीचे आ, मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है वहाँ से पानी लेकर खेतों में पानी दिया जाता है वे हेड डू द कारवाज ऑफ फैमिली ऑन द मूव सेटल अब कारवाज थे वो कहाँ पर जाकर सेटल हुए सो फॉर सिक्स मंथ दे स्टे नियर द शुगर किन फैक्ट्रीज एंड वर्क देयर। छः महीने तक वो जो है शुगर किन फैक्ट्रीज के जो आसपास का एरिया है वहाँ पर रहते थे और वहीं सेटल रहते थे एंड देर चिल्ड्रन डोट नॉट गो टू स्कूल और उनके बच्चे जो है छ महीने स्कूल नहीं जाते थे दे हेल्प देयर पेरेंट्स इन द वर्क वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे वो सब काम करने में सो so, ये था आपका चैप्टर ऑन द मूव अगेन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो बन सकते थे या जो वर्कशीट बन सकती है वो तो ये दोनों पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू